ज्ञानवापीचा इतिहास आहे जो आपण बदलू शकत नाही प्रत्येक मशिदीत शिवलिंग का पहावे भांडण का वाढवायचे ज्ञानवापी मशिदीवरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी मोठे वक्तव्य केले आहे आर एस एसच्या च्या तृतीय वर्ष संघ शिक्षा वर्गाच्या समारोप समारंभात ते बोलत होते ज्ञानवापीचा मुद्दा आहे तो इतिहास आपण रचलेला नाही ना आज स्वतःला हिंदू म्हणणाऱ्यांनी ना आजच्या मुस्लिमांनी ते त्यावेळी घडले इस्लाम बाहेरून आला आक्रमकांच्या हाती आला त्या हल्ल्यात भारताचे स्वातंत्र्य हवे असलेल्या लोकांचे मनोधैर्य खचण्यासाठी मंदिरे तोडली गेली ते पुढे म्हणाले हिंदू मुस्लिमांच्या विरोधात विचार करत नाहीत आजच्या मुस्लिमांचे पूर्वजेही हिंदूच होते आम्ही नऊ नोव्हेंबरला सांगितले की राम जन्मभूमी आंदोलन आहे त्यात आम्ही सहभागी झालो ते काम आम्ही पूर्ण केले आता आपल्याला आंदोलन करण्याची गरज नाही हिंदू कोणाच्या विरोधात नाही मुस्लिमांनी विरुद्ध मानू नये हिंदू नहीं, मानू नहीं। असा ही मानू नए ऐसा का मुद्दा तर एकत्र बसून सहमति ने मार्ग काढ़ा मत भागवतानी मानले व्याकरण निकल रहे ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है अब ऐसे मुद्दे है एक इतिहास तो है उसको हम बदल नहीं सकते वो इतिहास हमने नहीं बनाया न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया न आज के मुसलमानों ने बनाया उस समय घटा इस्लाम बाहर से आया आक्रमकों के हाथ आया उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्च करने के लिए देवस्थान तोड़े गए हजारों है हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है उसके बारे में मामले उठते हैं अब इसका विचार क्या करना यह मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए हम हम तो कुछ नहीं कहते हमने 9 नौ नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए हमने उस काम को पूरा किया अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं, ये किसी के विरुद्ध नहीं है और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए हिंदुओं ने भी ये नहीं करना चाहिए अच्छी बात है ऐसा कुछ है आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए लेकिन हर बार नहीं निकल सकता इसमें कोर्ट में जाते हैं जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए अपनी संविधान सम्मत न्याय व्यवस्था को पवित्र सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके निर्णय हमको पालन करने चाहिए उनके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए और ठीक है प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा लेकिन रोज एक मामला निकालना नहीं है यह भी नहीं करना चाहिए हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं परंपरा से चलती आई हम कर रहे हैं ठीक है परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना तो भाई वो भी एक पूजा है ठीक है बाहर से आई है लेकिन जिन्होंने अपना ही है वो मुसलमान वो बाहर से संबंध नहीं रखते ये उनको भी समझना चाहिए यद्यपि पूजा उनकी उधर की है उसमें वो रहना चाहते हो तो अच्छी बात है हमारे यहां किसी पूजा का विरोध नहीं सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है परंतु पूजा वहाँ की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन कल से चलते आवे ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है।, है समान पूर्वजों के वंशज हम है बाय सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन मेरी फेवरेट डिश पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ हरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है सुरुचि मसाले खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि